राधे राधे। माय गॉड। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। जैसा पिछली बार हम सभी लाइव आए थे, तो आपको पता है कि दो बार से मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ, और उस वजह से मेरा ध्यान थोड़ा दो तरफ भटका हुआ होगा। मैं पहले से ही बता दूं कि आप ये ना सोचे कि आई एम जस्ट इग्नोरिंग योर कॉमेंट्स, बट वो कॉमेंट्स इतनी तेज़ी से आ रहे हैं कि मुझे ठीक से दिखेंगे नहीं, लेकिन जिनके भी कमेंट्स मुझे दिखेंगे मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड एज़ यूजुअल एकदम टाइम पे, कुणाल जी जय श्री कृष्णा। राधे राधे जय श्री कृष्णा। यस, हाउ टू मैनेज एन्जाइटी। हम शुरू करते हैं टॉपिक। मैं थोड़ी बातें आपसे कर लूँ और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी को फॉलो अप करेंगे और मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। हरिओम। और आइए, सबके नाम भी हम एंड में कोशिश करेंगे लेने के, लेकिन अभी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, टॉपिक इस स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, बहुत स्ट्रेस है, प्लीज कुछ हल दीजिए। ओके, आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम स्ट्रेस के ऊपर बातें करने वाले हैं, कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, और आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, या एक स्पेसिफिक कारण क्या है। बाकी आप अलग अलग फील्ड्स में जब आपको स्ट्रेस हो रहा है, किसी को काम की वजह से, किसी को रिलेशनशिप्स की वजह से, किसी को कोई कन्फ्यूजन की वजह से कि उनके करियर में उनको कन्फ्यूजन हो रही है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। पर एक जो जनरल डेफिनेशन है स्ट्रेस का, अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस जनरली आपको तब होता है जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, आपके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से होते हैं। वो डिज़ायर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, वो चाहे करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, पावर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका डिज़ायर फुलफिल नहीं हुआ है, आपको उस वजह से स्ट्रेस होने लगता है। आप बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि कैजुअल चिंता को हम टेंशन कहते हैं, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो आपको पैनिक अटैक्स देने लगे, आपको एन्जाइटी होने लगे, तब जाके फिर वो स्ट्रेस डिप्रेशन के फील्ड में आने लगता है। तो कोई भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा आपकी जो पूरी नहीं होती है, उससे हमें स्ट्रेस होने लगता है। अब जैसा मैंने कहा कि ऐसी कई फील्ड्स है जिस वजह से स्ट्रेस होता है, जैसे कि सबसे पहले करियर इश्यूज। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अगर कहीं पर होता है तो वो है करियर इश्यूज में, कि हमें करियर चुनने में बड़ी दिक्कत होती है। इतना कंपटीशन है, इतने लोग हैं, चाहे वो सीए हो, इंजीनियर्स हो, इतना टफ हो गया है आजकल एजुकेशन सिस्टम,
तो उस कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने बच्चे एग्जाम्स देते हैं, उसमें कुछ परसेंट ही है जो पास हो पाते हैं या पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। उस वजह से पढ़ के भी हमें बड़ी टेंशन होती है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा इज पेरेंटिंग गैप, या आप इसे आजकल हम जेनरेशन गैप भी कहते हैं, कि हमारे घर में ही कई झगड़े हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, जेनरेशन गैप की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। क्योंकि बाहर का स्ट्रेस अगर हम घर में लेकर आते हैं और घर में भी हमें वही माहौल मिल रहा है जहाँ हमें प्रॉब्लम्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो ये मे भी एक दूसरा कारण है कि हमें आजकल स्ट्रेस होता है, या लोगों को आजकल जो स्ट्रेस होता है। थर्ड इज रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप्स को संभालना अभी के टाइम में थोड़ा मुश्किल लग रहा है सभी को। सब इजी रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, किसी को एफर्ट्स नहीं देना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, पेशेंस नहीं देना है, चीज़ें हैंडल नहीं करनी है। अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज्ड है, सीरियस नहीं है, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, और आप एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, या आपका सामने वाला पार्टनर एफर्ट्स नहीं दे रहा है, लॉयल्टी इश्यूज हो सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप इश्यूज भी एक फील्ड है जहाँ पे आपको स्ट्रेस होता है। फोर्थ आई वुड से पीयर प्रेशर। आज के टाइम पे सबको एक दौड़ लगी है कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है, या फिर अपने आप एक सोसाइटी का प्रेशर है कि ऐसा ऐसा आपको करना है, ऐसे ऐसे तो आपका एक स्टेटस मेंटेन होता है। बच्चों के लिए मार्क्स को लेकर एक अलग प्रेशर है कि शर्मा जी के बेटे ने इतना लाया है तो तुमको भी इतना लाना है। और आई थिंक स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न भी होता है कंपेरिजन। जब हम खुद को किसी से कंपेयर करते हैं, या हमारे पेरेंट्स, ये सब पेरेंट्स के लिए भी, आई होप कुछ पेरेंट्स भी बैठे होंगे यहाँ लाइव सेशन में, और अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं और अगर वो मेरी बात को थोड़ा भी मानते हैं, तो प्लीज़ आप आज एक प्रॉमिस लेकर जाए इस लाइव से कि आप कभी ज़िंदगी में अपने बच्चों को किसी के भी साथ भी कंपेयर नहीं करेंगे। क्योंकि ये सबसे डिग्रेडिंग बात होती है हमारे बच्चों के लिए, अगर हम उनके लिए कुछ अच्छा सोच के कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली हम उनका बुरा ही कर रहे हैं। क्योंकि कंपेरिजन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न इस कंपैरिजन। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है और हमारे और आपके लिए भी है कि हम खुद को भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। सब देखिए अलग है, हो सकता है आपसे कोई बहुत अच्छा होगा, हो सकता है आपसे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप जैसा कोई भी नहीं है। भगवान ने सबके जैसा एक ही बनाया है, इसलिए हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं, चाहे वो फीचर्स में हो, लुक्स में हो, बिहेवियर में हो, कैरेक्टर्स में हो, हम सब एक दूसरे से अलग है। उसका रीज़न है कि भगवान ने सबको यूनिक बनाया है और सबके अंदर अपना एक टैलेंट दिया है, अपना एक करिश्मा दिया है, अपना एक ऑरा दिया है। अगर आप उस ऑरा को ख़त्म करके किसी और की नकल करना चाहते हैं, किसी और को इमिटेट करना चाहते हैं, किसी और के जैसा बनना चाहते हैं, इनडायरेक्टली आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। मेरी नज़र में, ये मेरे ओपिनियन में है कि जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, हम अपने आप को नीचे गिराते हैं। और आई डोंट थिंक अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ कभी भी किसी से भी। यू आर द बेस्ट, आप जैसे हैं। अपने ऊपर वर्क करिए हर रोज़। आप कंपटीशन अगर करना चाहते हैं, अगर आप कंपैरिजन भी करना चाहते हैं, तो खुद से करिए कि आप कल जैसे थे, आपको आज उससे बेहतर होना है, और आप आज जैसे हैं उसे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको कल होना है। ये सबसे अच्छा कंपटीशन होता है, सबसे अच्छा कंपैरिजन होता है। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, जब आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं हैं, उतने पावरफुल नहीं हैं कि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। उस समय आई थिंक आपको जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये मेरी रियलिटी है और मुझे मेरी रियलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना है।
यहाँ पे फिर वही चीज आती है कि जरूरी नहीं उसने ये काम किया तो मुझे भी ये काम करना है, हो सकता है मैं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं हूं कि मैं उस तरीके का काम कर सकूं। हाँ मैं मेहनत करता हूँ, मैं अभी जितना मेरे पास है उसके अकॉर्डिंगली मैं जो काम कर सकता हूँ मैं करूँ, मैं उसके थ्रू अर्न करूँ और फिर हो सकता है मैं अपने सपने फिर पूरे करूँ। तो आपको अपनी रियलिटी भी समझनी है, सबकी अपनी अपनी रियलिटीज़ है और उनको उसी दायरे में रहकर आगे बढ़ना होता है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए और ऑब्वियसली आप अपनी रियलिटी फिर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्लिक में नहीं हो सकती। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों को देखकर अपने आप को स्ट्रेस में ना डालें कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं भी ये काम कर लेता। कहते एक बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा भगवान से कहते रहते हैं कि आप मुझे पैसा दे तो मैं कुछ करूं, आप मुझे थोड़ा पैसा दे, आप मुझे थोड़ा धन दे तो मैं कुछ करूं, और शायद भगवान ऊपर बैठे बैठे कहते हैं कि तू कुछ करे तो मैं तुझे धन दूं, मैं तुझे पैसे दूं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जितना आपके पास एट प्रेजेंट है आप उसी से शुरुआत करिए, शुरुआत करिए, एक दो कदम तो चलिए, अपने आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलने के लिए आपके बाकी के कदम भगवान खुद चलेंगे, किस्मत खुद चलेगी, तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहला कदम आपको ही लेना पड़ेगा और वो आपके पास जो इस वक्त प्रेजेंट है आपको उन्हीं के साथ वो कदम लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट वेट कि इतना पैसा जब मेरे पास आएगा तब जाके मैं उतना काम करूंगा या ऐसा मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तब जाके मैं वो काम करूंगा, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाली। जब तक आप काम नहीं करते अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, पैसे नहीं आते, सक्सेस नहीं आता, लोग भी नहीं आते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद ही अपना फर्स्ट स्टेप ले जितना आपके पास है उन्हीं चीजों से, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए वो सब आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आइए बीच में बात करते करते कोशिश करेंगे कि हम एक दो क्वेश्चंस को साथ में लें, लेकिन कमेंट्स इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि मैं एक भी क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, जैसा मैंने कहा स्ट्रेस पहली सीढ़ी है, अगर आप स्ट्रेस को दूर नहीं कर पाएंगे तो बहुत जल्द आप डिप्रेशन में, एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, इन चीजों की ओर बढ़ सकते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस को ही खत्म कर दें तो आप उसके आगे ही ना बढ़े। डिप्रेशन में बहुत इश्यूज हो सकते हैं, उसके कई सिम्टम्स है और वो हम जब डिप्रेशन की बात करेंगे उस पर आएंगे, बट यस यही डिफरेंस है कि स्ट्रेस एक पहला स्टेप है जिसको अगर ठीक नहीं किया गया तो वो डिप्रेशन की ओर बढ़ सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट आप स्ट्रेस को ही खत्म करें और आगे जाने की बात ही नहीं होती फिर। माइंड को कैसे कंट्रोल करें, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जो लोग कहते हैं माइंड को कैसे कंट्रोल करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंट्रोल नहीं कर सकते अंदरूनी तौर से, लेकिन आप बाहर ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका माइंड कंट्रोल में रहे, और वो कंट्रोल में नहीं रहता पर हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप उसे उसका काम करने दें पर वो आप पर असर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मंकी है, बंदर, वो बहुत कूद रहा है, हम सभी जानते हैं बंदर कैसे होते हैं, वो एक जगह टिक नहीं सकते, वो बैठ नहीं सकते, उनको दिन भर भागना दौड़ना कूदना इस पेड़ से उस पेड़ तक, तो हम सभी जानते हैं बंदर कैसे होते हैं। तो एक बंदर है जिसको एक बिच्छू ने काट लिया है, सोचिए उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो कितने दर्द में है। उसके बाद उसको किसी ने शराब पिला दी है, अब उसे दर्द भी हो रहा है और वो नशे में भी है, और उसके ऊपर जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कि उसके अंदर एक स्पिरिट ने एंटर कर लिया है, उसके अंदर एक आत्मा ने एंटर कर लिया है। अब सोचिए वो कितना पागल हो रहा है, कितना ज्यादा पागल होगा, कितनी जगह वो घूमेगा, यहां से वहां कूदेगा, और उसे कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। हमारा दिमाग एक बंदर है जो ऑलरेडी बहुत कूदता है, ऑलरेडी बहुत इधर उधर भागता है। बिच्छू हमारे खुद के टेंशन्स हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि जब तक आप
खुद के जो डिजायर्स हैं खत्म नहीं करते, इच्छाएं खत्म नहीं करते, माइंड शांत नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है हमारे और आपके लिए माइंड को कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये माइंड को कंट्रोल वही कर सकते हैं जो सांसारिक जीवन से दूर है, क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं है। हमारी इतनी इच्छाएं हैं, इतने एम्बिशंस हैं, इतने गोल्स हैं, हमें इतना कुछ चाहिए और इतने कम टाइम में चाहिए। तो हमने खुद ने ही अपने दिमाग को पहले एक बंदर बना दिया है, अब वो कूद रहा है। तो हमारे जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो बिच्छू की तरह है जिसे उसे दर्द का एहसास बार बार हो रहा है। यानी बार बार ये थॉट हमारे माइंड में होता है कि हम पास होंगे कि नहीं, हमें वो गोल मिलेगा कि नहीं, हम वो करेंगे कि नहीं, वो कंटिन्यूसली आपके माइंड में चल रहा है, आप उसे भूल नहीं पा रहे। उसके बाद ये जो जेलसी है, पोजेसिवनेस है, ईर्ष्या है, ईगो है, ये सब शराब है जो हमने बाहर से लिया है। किसी और को देखकर किसी और का अच्छा होता है तो हमें गुस्सा आता है कि हमारा अच्छा हो रहा है ठीक है, या हमारा अच्छा नहीं भी हो रहा ठीक है, लेकिन उसका क्यों हो रहा है, उसका नहीं होना चाहिए। तो हमने एक तरीके का ये शराब भी अपने दिमाग को पिला दिया। और फिर जो स्पिरिट है या ये जो आत्मा है, ये हमारे आज के समय में जो अननेसेसरी इच्छाएं हैं, एक होती है गोल्स वगैरह, पर एक जो अननेसेसरी इच्छाएं हैं जिसको कैसे पूरा करे, क्या करे, कुछ नहीं पता। क्योंकि आत्मा आ जाए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी नहीं पता। तो उनको कैसे पूरा करना है, क्या करना है, क्यों करना है, जरूरत है कि नहीं है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बस हमें चाहिए या हमें ऐसा कुछ करना है। तो आप खुद इमेजिन करिए ऐसा बंदर या ऐसा दिमाग शांत से कैसे बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। लेकिन फिर भी सिर्फ एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ जिससे हम सभी जानते हैं कि जब हम योगा सीखते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती है कि आप अपनी सांसों पर कंट्रोल कैसे करें। तो मैं सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, स्पेशली है कि ये उनके लिए जो अपने दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में करना चाहते हैं। आप यही सोचिए कि आपका दिमाग एक बंदर है जो सांसें ले रहा है और आंखें बंद करके वो एक झूले पे है जहां वो आगे जाता है और पीछे होता है। आगे पीछे का अर्थ है आपकी सांसें, कि आप कब ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं। और आपका ध्यान, आपके आंखों के सामने सिर्फ यही चित्र होना चाहिए कि वो एक झूले पे है और वो सिर्फ आगे पीछे हो रहा है, और वो आगे पीछे होने के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी। उसके अलावा आपको अपने दिमाग में कुछ भी नहीं लाना है, यानी उस वक्त आपका दिमाग केवल सांस ले रहा है, जस्ट फॉर 5 to 7 minutes एवरी डे। एंड प्लीज गिव टाइम, इस चीजों को अगर आप टाइम देते हैं तभी ठीक होता है। और फेथ के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर आप स्टार्टिंग से ये सोच के चलेंगे कि ये तो नहीं होगा या ये कैसी बात है, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है कोशिश करते हैं पर मुझे तो नहीं लगता होगा, वो होगा भी नहीं। तो अगर आपको फेथ नहीं है तो मैं अभी कहती हूं आप मत करिए। अगर आपको फेथ है तो ही आप ये एक्सरसाइज करिए। एंड आई एम डैम श्योर कि धीरे धीरे विथ टाइम, क्योंकि मिरेकल्स नहीं होते आपके बॉडी के साथ, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है अपनी बॉडी पे, और तब जाके आपको असर दिखता है या रिजल्ट्स दिखते हैं। या आपके साथ आप एक्सरसाइज करिए या जिमिंग करते हैं, जब हम अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं तो 2-3 दिन में तो कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में आप 10-15 किलो कम कर लेंगे। इट विल टेक टाइम, मंथ्स, हो सकता है 1 साल 1.5 साल भी लग जाए। तो बॉडी नीड्स टाइम। अगर आपको अपने बॉडी के साथ कोई भी चेंज करना है, इट विल टेक टाइम, तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा। एंड ये भी एक इन्हीं बातों से एक रीजन है, पेशेंस नहीं होना स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। हमारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, किसी भी चीज का पेशेंस नहीं है, चाहे वो करियर को लेकर हो, हार्डवर्क को लेकर हो, हमारे गोल्स को लेकर हो, रिलेशनशिप्स को लेकर हो, किसी भी चीज में हमारे पास पेशेंस नहीं है। और हो कैसे, एक बात बताइए, जब आप पूरा दिन काम मशीन्स के साथ कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा, क्योंकि मशीन्स आपको हर चीज तुरंत करके देते हैं। और अब आप वही एक्सपेक्टेशंस इंसानों से भी करने लगे हैं, पर इंसान मशीन
बस इतनी तमन्ना है, शाम तुम्हें देखूं, ये बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है, सो डोंट वरी। मॉर्निंग इज द राइट टाइम टू डू मेडिटेशन, और नहीं तो आप रात को भी कर सकते हैं सोने से पहले। कि नेक्स्ट लाइव कब है, और नेक्स्ट वीडियोस, चाहे वो नेक्स्ट आस्क मी वीडियो भी सैटरडे को आने वाला है, जैसा मैंने बताया कि उसमें आपको वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम पढ़ाई करते हैं और हमारा मन नहीं लगता तो कैसे कंटिन्यू करें उसको, तो स्टे ट्यून्ड और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, अच्छी अच्छी बातें करते रहें, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी, न्यूज़ चैनल्स, किसी भी के थ्रू जंक मीडिया ना देखें, क्योंकि वो चीज़ें आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर जाती है। जो भी देखे, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें देखे, अच्छे शोज देखे, अच्छी मूवीज देखे, भजन सुने, रोज उठ के एक भजन सुने, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो जी। चलिए, राधे राधे, जल्द ही वापस मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच।